Vihar. आने के बाद जो भी इच्छा होगा मंदिर ये बोधि ट्री है अंदर अच्छा ये मंदिर देख लीजिए तो बोधि ट्री में जाएंगे बोधि ट्री में पूरा देख के आएंगे तो उसके बाद मंदिर देख लीजिए पहले चप्पल उतार जनाबी उतारू नहीं नहीं मोजा पहन के जा देख ये गौतम बुद्धा बैठे हैं उनके सामने सुझाता है तो गौतम बुद्धा ने इस पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। उनका मानना ये था कि हर इंसान के अंदर बुद्धा है। सो चाहे जिससे आप प्यार करते हो चाहे कोई भी आपको दुख देता हो उन सबके अंदर बुद्धा है। जब सबके अंदर बुद्धा है तो सब समान है तो देयर शुड बी नो दिस सिमिलैरिटी बिटवीन पीपल। यही गौतम बुद्धा ने सिखाया है। मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। तो एक स्टोरी है बोधिसत्व नेवर डिस्पैरेजिंग जो एक सूत्र में लिखी हुई है जो गौतम बुद्ध ने लिखी है। उसके अंदर क्या होता है बोधिसत्व नेवर डिस्पैरेजिंग एक बंदा होता है जो 24 करेक्ट और लोटस सूत्र हमेशा बोलता है। तो अगर कोई भी उसको परेशान कर रहा होता है तब भी वो सबके सामने जाकर 24 करेक्ट और लोटस सूत्र बोलता है बिकॉज ही बिलीव दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ बुद्धा। तो लोग उसको पागल समझते हैं और लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं पर वो लोग उसे पत्थर से छुपने के लिए एक रॉक के बीच छुप जाता है क्योंकि वो चाहता है कि लोगों का नेगेटिव कर्म ना क्रिएट हो। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज बुद्धा। अगर आपको कोई बुरा भला भी कह रहा है तो अगर आप उसके बारे में कुछ बुरा सोचोगे तो आपके नेगेटिव कर्म क्रिएट होंगे। एंड गौतम बुद्धा ऑलवेज बिलीव दैट हर इंसान के अंदर बुद्धा है एंड हर इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है अपनी लाइफ जीने के लिए। गौतम बुद्धा ने अपने जन्म काल के अंदर काफ़ी सारे सूत्र लिखे थे। उनमें से जो लास्ट सूत्र के 7 साल में लिखा गया था वो सूत्र था लोटस सूत्र। तो यह माना जाता है कि लोटस सूत्र में जो गौतम बुद्धा ने पहले 51 साल में जो ज्ञान दिया उसका कक्ष जो था वो लोटस सूत्र में था। उस लोटस सूत्र का कक्ष ये था कि देयर इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारी लाइफ में आएगा। सो एक जो संदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो ये था कि आप सबके साथ अच्छा करो कि आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा।